हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ मूंगफली की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है, तो मैं गैस पे कढ़ाई रख दूँगी, गैस को कर देंगे ऑन, मूंगफली को सेकेंगे, इसका मैं छिलका उतारूँगी। इसको सेक लेंगे हम जब तक ये चटकेगी, जब तक। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को सेकते हुए 3-4 मिनट हो गई, इसको 1-2 मिनट और सेकूंगी, ज़्यादा नहीं सेकना हमारे को, इतना सेकना है इसका छिलका उतर सके। देखिए छिलका आसानी से उतर रहा है, देख सकते हो आप। देखिए इसको मैं निकालूंगी, इसमें देखिए आप आवाज सुन सकते हो, देखिए इतनी आवाज से। इतना गैस को कर दिया बंद, इसको मैं 5 मिनट ठंडा करूंगी, फिर इसका अच्छे से छिलका उतारूंगी ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मूंगफली छील ली, आप देख सकते हो। देखिए कितने आसानी से छिलका उठा दिया। तो इसको मैं पीसूंगी मिक्सी में। देखिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया, उसमें डालूंगी मूंगफली, साथ ही मैं डालूंगी चीनी। चीनी मैंने मूंगफली से कम ली है, देखिए चीनी डाल दी इसमें, तो मैं पीस लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, चीनी और हमारी मूंगफली कितनी अच्छे से पिसी है, देखिए जैसे वो सूजी की जैसे हो गई है। देखिए इसका ऑयल भी नहीं हुआ मूंगफली का चीनी में डालने से, देखिए कितना अच्छा पाउडर बना है। अब शुरू करते हैं मिठाई बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गीली है घी, हमारे को कम डालना है, मूंगफली में ऑयल होता है इसलिए मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। गैस को कर देंगे ऑन, जो हमने पाउडर बनाया है ना मूंगफली का और चीनी का, इसको अच्छे से मिला लेंगे मीडियम पे पकाना है मेरे को, गैस मैंने मीडियम कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पकाते 3-4 मिनट हो गई, अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। उसको भी अच्छे से मिला देंगे, गैस मैंने लो फ्लेम पर कर रखा है। इसमें 1 चम्मच घी और डालूंगी मैं, उसको भी अच्छे से मिला देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पकाते हुए 3-4 मिनट हो गई। मैं इसमें डालूंगी दूध, तो मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया इसमें। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। गैस मैंने मीडियम कर रखा है, ज़्यादा नहीं पकाना। हमारे को मूंगफली को पहले भी पका दिया था मैंने, इसलिए देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया, कितना अच्छा कलर आया। इसको मैं गाढ़ा होने तक 1-2 मिनट और पकाऊंगी। आप देख सकते हो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हो। मैं फ्लेवर के लिए डालूंगी इसमें केवड़ा बटर, आप इलायची भी डाल सकते हो। मैंने केवड़ा बटर डाली है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रेड कलर, रेड कलर की बनाऊंगी मिठाई। तो मैंने डाल दिया रेड कलर इसमें, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कढ़ाई से अपना आप छूटने लग गए। गैस को कर देंगे बंद, गैस मैंने बंद कर दिया। इसको मैं 5 मिनट ठंडा करूंगी। इसमें मैंने घी लगा लिया, फिर इसमें डालूंगी मैं ठंडा करके 5 मिनट इसको। देखिए हम डाल देंगे मिठाई को इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैं पन्नी की मदद से इसको अच्छे से दबा दूंगी। आप ढक्कन से भी दबा सकते हो इसको। देखिए मैं आपको ढक्कन से दबा के दिखाती हूँ। अब मैं डालूंगी बादाम की टुकड़ी, देखिए डाल देंगे बादाम की टुकड़ी। इसको 2 घंटे तक फ्रिज में रखना है हमारे को। जब भी मीठ बर्फी कटेगी इसकी, मैं रख दूंगी इसको फ्रिज में, फिर करेंगे चेक 2 घंटे बाद में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया। देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छे से बनी है, आप देख सकते हो। देखिए आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।